नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल द ड्रीमलाइनर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पासपोर्ट कैसे बनवाया जाए। दोस्तों, आपको इतना तो पता ही होगा कि पासपोर्ट है जो एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स के नाम से जाना जाता है। इसके बिना आप विदेश में यात्रा करना तो भूल ही जाइए, संभव ही नहीं है कि इसके बिना आप एक फॉरेन कंट्री विजिट कर पाओगे। सो दोस्तों, ये देखिए, ये मेरा पासपोर्ट है। मैंने इसको 2018 में बनवाया था और इसकी टोटल फीस लगभग है वो 2100 रुपये के आसपास मुझे पड़ी थी। तो अभी क्या है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कितने पढ़े लिखों के लिए बनता है, क्या पुलिस वेरिफिकेशन में आपको वहाँ जाना पड़ेगा या पुलिस आपके घर पर आएगी, पासपोर्ट ऑफिस में आपको कितने सवाल पूछे जाएंगे, क्या इसका एप्लीकेशन प्रोसेस है, हम सभी पॉइंट्स के बारे में हम बात करेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक, बिना स्किप करे वादा करता हूँ आज के बाद आप पासपोर्ट को लेकर कभी चिंतित नहीं होगे। आप भी एक स्मार्ट पासपोर्ट अपने हाथ में 10 दिन के अंदर अंदर ले पाओगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा पोर्टल पे जाना होगा। वहाँ आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक मेल आएगी, मेल को आपको एक्टिवेट करना होगा। एक्टिवेट करने के बाद में आपको एग्जिटिंग यूज़र लॉगिन पे जाना है। वहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा सामने। इसमें आपको अगर आप CPV दिल्ली से में बनना चाहते हो तो वहाँ पे, अगर आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जाना है तो वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ पे अपना पूरा फॉर्म भर सकते हो। जैसे ही भरोगे आप वहाँ पे अप्लाई फॉर न्यू पासपोर्ट और री इशू पासपोर्ट पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे नीचे आपको क्लिक पूरा और न्यू पासपोर्ट इस पर क्लिक करना होगा। इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना है। अब इसके बाद में आपको प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस है वहाँ पे क्लिक करना होगा। आपका स्टेट और डिस्ट्रिक्ट इसमें फिल करनी होगी। उसके बाद में आपको पासपोर्ट टाइप नॉर्मल या फिर आपको इमरजेंसी पासपोर्ट कैसा चाहिए, फ्रेश पासपोर्ट या इश्यू री इश्यू पासपोर्ट, जो भी टाइप का पासपोर्ट चाहिए आपको वहाँ पे भर देना है। आपके यहाँ पे पूरे डिटेल्स भरनी है, जैसे नॉर्मल फॉर्म अपन भरते हैं वैसे ही इस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे फैमिली डिटेल्स भरनी है, आपके पेरेंट्स के नाम, और आप अगर आपके किसी ने अडोप्ट किया है तो वहाँ पर आपको लीगल गार्जियंस के नाम में वो फिल करना होगा। पेरेंट प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस में आपको जो आधार कार्ड पर जो परमानेंट एड्रेस है वो ही यहाँ पर भरना होगा। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपको दो नंबर भरने हैं, एक ईमेल आईडी और एक कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे भरना होगा। रेफरेंसेस में आपको दो नॉमिनी के नाम भरने हैं, वो आप चाहे मम्मी पापा, आपकी वाइफ हस्बैंड या आपके ब्रदर, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आप अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट है या फिर आपका पासपोर्ट कहीं पर खो चुका है या आपने अप्लाई किया था किसी कारण से आपको मिला नहीं है तो आप यहाँ पर टिक करोगे, अगर नहीं है तो आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स में भरना है कि आप पहले क्रिमिनल तो नहीं रह चुके हो या फिर अभी कोर्ट गए थे कभी, इस तरीके के आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है वो आप डिक्लेरेशन करना होगा। यहाँ पे आने के बाद में आपको आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में आपको यहाँ इस तरीके का यूज़र इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पर आपको डिक्लेरेशन करना है कि आपको जो भी है सबमिट कर देना है यहाँ पर फॉर्म। यहाँ पर सबमिट करने के बाद में आपको यहाँ पर अगेट द अपॉइंटमेंट लेटर यहाँ पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे आपका चूज़ पेमेंट मोड, यहाँ पे आपको पेमेंट मोड चूज़ कर लेना है। पेमेंट मोड जैसे ही चूज़ करोगे आपको यहाँ पे आपका शेड्यूल अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेना है कि आपके जो नियरेस्ट पासपोर्ट सेवा केंद्र है वो, उसको चूज़ करके यहाँ पर आपका कैप्चा कोड डाल के उसको सबमिट कर देना है। यहाँ पर सबमिट करने के बाद में आपको पे एंड गेट द अपॉइंटमेंट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कर दोगे आपका फॉर्म रेडी हो जाएगा और आपको अपॉइंटमेंट इंडेक्स का सॉफ्ट कॉपी ले लेना है। ये सभी प्रोसेस पूरा होने के बाद में आपको आपको इस तरीके का एक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करके दिया जाएगा, उसको आपको हमेशा सुरक्षित रखना है। उसके बाद में आपको अपने टोकन नंबर ले लेनी है, उसका प्रिंट आपको जहाँ भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करवाओगे वहाँ से मिल जाएगा। जैसे ये देखिए, मेरी टोकन नंबर ये है N117। तो जब आपका पासपोर्ट ऑफिस से जब आपका SMS मोबाइल नंबर पे SMS आएगा तो वो इस टोकन नंबर के साथ आएगा, और जो टोकन नंबर है ये वाली रिसिप्ट है वो आपको साथ लेकर जानी होगी, क्योंकि जिस दिन आप जहाँ जाओगे तो इसी टोकन नंबर के आधार पर आपको वहाँ गेट पे एंट्री दी जाएगी और इसे देख के ही आपको अंदर जाने जाए दिया जाएगा। तो
इसके साथ ही साथ आपको जो भी आपने पासपोर्ट को अप्लाई करते टाइम आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वोटर बिल, आपका मार्कशीट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए थे वो सभी लेकर जाने हैं, क्योंकि वेरिफिकेशन के टाइम में आप आपसे एक एक करके मांगा जाएगा। तो वहाँ पे आप किसी भी वजह से आपका जो वेरिफिकेशन है वो इनकम्प्लीट ना रह जाए, इस वजह से आपको सभी चीज़ों के साथ जाना होगा। तो वहाँ पे ज़्यादा क्यूशन तो नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपको 3-4 कंपार्टमेंट में अलग अलग तरीके से भेजा जाएगा। पहले कंपार्टमेंट में जो है आपका सिग्नेचर मैच होगा, वहाँ पे दूसरे कंपार्टमेंट में जाके आपको जो आंखें और हमारे जो पाम है वो हमारी जो सेंसर होंगी अच्छे तरीके से, और तीसरे कंपार्टमेंट में आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई होंगे अच्छे से। उसके बाद में आपको फाइनल एक ऑफिसर के पासपोर्ट ऑफिसर के तो वहाँ पे जाने के बाद में आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कॉल लेटर दिया जाएगा, और उस फाइनल वो मतलब फाइनली स्टेज होगा वहाँ पे। उसके बाद में जो है लगभग 3-4 या 5 दिन बाद में आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको कॉल आएगी, या तो वो लोग आपके घर पे आएंगे, अगर उन लोगों को टाइम नहीं है तो आपको वहाँ पे एक नॉमिनी के साथ में वहाँ पे जाना होगा पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। पुलिस आपसे पूछेगी कि आप पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हैं, आप कहाँ जाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाने के पीछे का मकसद क्या है। जनरली पुलिस ऐसे कोई सवाल नहीं करती है, मगर अगर कर भी ले तो आपको वहाँ पे निडर होकर आपको पुलिस को स्ट्रिक्शंस के साथ में आपको जवाब देना फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, ताकि वो जो है आपका रिव्यू है पासपोर्ट ऑफिस में पूरा एकदम पॉजिटिव करके भेजे, क्योंकि वहाँ से वो जब पुलिस वहाँ से वेरीफाई करती है तभी आपका पासपोर्ट जो है पासपोर्ट ऑफिस में कंफर्म हो पाता है, और वहाँ से फिर आपका पासपोर्ट जो है डिस्पैच होता है। तो ये लगभग पासपोर्ट आते आते आपको लगभग 10 या 15 दिन का टाइम लग जाएगा। फाइनली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि उनको भी पता लगे कि किस तरीके से पासपोर्ट बनवाए।